मनोहर थाना कस्बे विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। टीम लाड़पुरा बलराम गांव में अवैध ट्रांसफार्मर के मामले में कार्यवाही करने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने टीम हम पर हमला कर दिया। हमले के जयपुर डिस्कॉम के मनोहर थाना इलाके के JEN सहित लाइनमैन घायल हो गए, तो वहीं ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर डिस्कॉम टीम की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। जैसे तैसे जान बचाकर कार्यवाही करने गई टीम को उल्टे पैर वापस लौटाना पड़ा। मनोहर थाना इलाके के डिस्कॉम के JEN पिंटू कुमार ने बताया कि वह शनिवार सुबह अपनी टीम और कुछ पुलिस कर्मियों को साथ इलाके के लाड़पुरा बलराम गांव में अवैध ट्रांसफार्मर उतारने गए थे। जब मौके पर जाकर देखा तो ग्रामीणों को अवैध ट्रांसफार्मर से सिंचाई का काम करते हुए पाया। इस पर जब टीम कार्यवाही करने लगी तो गुस्साए ग्रामीणों ने डिस्कॉम की टीम पर इकट्ठे होकर लाठियों और पत्थरों से जोरदार हमला बोल दिया। हमले में बिजली विभाग टीम के लोगों को ग्रामीणों ने जहां लाठियों से पीटा तो वहीं उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। जैसे तैसे जान बचाकर डिस्कॉम टीम के लोग उल्टे पैर वापस लौटे और मनोहर थाना पुलिस थाने पहुंचकर 10 नामजद और अन्य ग्रामीणों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल सारे मामले में मनोहर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाने की जाप्ता लेकर के अपने विद्युत विभाग की टीम के साथ लाटपुरा बलराम गांव गए थे, जहां पर अवैध ट्रांसफार्मर से सिंचाई कर रहे थे गांववासी। इस दौरान उन लोगों ने हम लोगों पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने पत्थर और लाठियों से काफ़ी पीटा लोगों को और क्या कहते हैं गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। अपनी FRT गाड़ी और ये अपने विभाग की जो बोलेरो गाड़ी है उसको भी फोड़ दिया गया। अपने फीडर इंचार्ज एक पटेल नारायण के सर पर चोट आई, जहाँ से खून बहना शुरू हो गया। मुझ पर भी 10 से 12 लट दिए उन लोगों ने और यह एक तरह से राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति का नुकसान का मामला बनता है। करीब करीब गांव के 15 से 20 लोग थे और 15 से 20 महिलाएं भी थी, लेकिन उसमें से नामजद जो हैं वो 10 लोगों का अपने नाम अभी इसमें दिया है। फिलहाल तो और भी लोगों के नाम अपन उससे पूछताछ करके ही पता कर पाएंगे, क्योंकि सारे लोगों के नाम तो अपने पता नहीं थे फिलहाल।